बॉलीवुड में भी आप एक झांसी की रानी मानी जाती हैं। हर समय आपने जो भी मुद्दे रहे हैं खुल के उस पे स्टैंड लिया है। आपकी हम पूरी जर्नी देखते आए हैं और हम इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। आप काफ़ी हमारे लिए भी एडमायरेबल हैं। तो आप अपनी पूरी जर्नी को और इस बात से कितना आप खुद इत्तेफाक रखती है कि जो भी हर्डल्स आए हैं आपने हमेशा उसका सामने किया है। मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ अगर आपने मुझे झांसी की रानी से कंपेयर किया है। मैं बस ये सोचती हूँ कि शायद मेरे जो संघर्ष, एक्चुअली मेरे मम्मी पापा आज यहाँ पे हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि मम्मी पापा ने मुझे पैदा क्यों किया है लेकिन आज मुझे लग रहा है कि नहीं, कुछ मतलब रहा है। इस बार सुपर डांसर चैप्टर 3 में ना जानवरों को नचाएंगे हम, ऐसा लग रहा है। अलग क्या देखने को मिले, मतलब क्या, आई डोंट नो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हम आज डिस्कस कर रहे थे वो वाली बात बता दी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आप गए थे उस दिन चेंबूर में, आपने गुलाब जामुन खाए। आप जामुन में क्यों जाती हैं बार बार? क्योंकि वो अच्छा है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है और टेस्टी है, अलग थोड़ी ना मिलता है हर बार। बिल्कुल, क्या बात बोली आपने, क्या बात बोली, बनते बनते अलग बनेगा। अभी कैसे पता है क्या करना है? अभी तो नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन इंटेंशन होना चाहिए अलग करने का, हो जाएगा।